बाजरा जोंधरी है ना, चने की दाल, सारी दालें, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, सारी चीजें आती है ना। तो ये जो अनाज है वो कहाँ कहाँ से मिलता है आपको? देखो अनाज में क्या क्या आता है, दाल, चावल, रोटी, मक्का, बाजरा, फ्रूट्स, आपके जो भी फ्रूट्स रहते हैं ना, आम, अनार, जामुन, सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आया? मछली, चिकन, ये सारी चीजें आपके अनाज में आएगी। समझा? तो अभी मुझे बताओ आपको कहाँ कहाँ से सारी चीजें मिलती है। सारी चीजें पेड़ से मिलती है, पौधों से मिलती है। और किसी को पता है कहाँ से आता है? वेरी गुड। खेत से क्या क्या आता है इसको दो? खेत से चावल आता है और गेहूं आता है। चावल, बाजरा, दालें बाजरा, है ना। अच्छा, अभी मछली, मछली कहाँ से आती है? मछली पानी से। तो पानी कहाँ रहता है ज्यादा? तालाब, नदी, समंदर, है ना। अभी मुर्गी और शहद, शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खी के छत्ते से, वो भी अनाज है हमारे लिए, है ना। और मुर्गी, मुर्गी का अंडा कहाँ से मिलता है हमें? मुर्गी के पेट से। मुर्गी के पेट से मुर्गी का अंडा मिलता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि जो अनाज है वो हमको अलग अलग जगह से मिलती है, एक ही जगह से सारी चीजें नहीं मिलती। एक जगह से मिलती है वो दुकान में, पर दुकान में भी उससे पहले कहाँ से होकर होकर गुजरकर हमारे घर तक आती है, हम आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो दाल रोटी चावल है, दाल रोटी चावल ये कहाँ से मिलते हैं? खेत से, है ना, खेत से मिलते हैं। और जो ये मुर्गी है, अंडा है, बकरा है, बकरे का गोश्त है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? मवेशी खाना। कहाँ से? मवेशी खाना, जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है। समझा? जहाँ मुर्गी बहुत सारी पाली जाती है वो मवेशी खाना। फिर अलग अलग उनके नाम रहते हैं ना, वहाँ से अंडे वंडे निकाले जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, शहद की भी खेती की जाती है ना मवेशी खाना में, पेड़ों में बहुत सारा वो किया जाता है, उसका सीजन आता है, फिर उस सीजन में शहद को निकालते हैं जाते हैं ना, अपने आप शहद को भी आ जाता है। समझ में आया? तो शहद की भी एक तरह से खेती की जाती है। और फिर ये सारी चीजें जंगलों से भी कुछ चीजें हमें मिलती है ना, जंगलों में भी होती है। और ये अमरूद, आम, सेब, इनके क्या होते हैं? बाग होते हैं, है ना। तो हमें बाग से भी अनाज आते हैं, जंगलों से भी मिलते हैं। समझ में आया? तो हमें चार जगहों से अनाज हमारे घर तक आते हैं, है ना। क्या हो गया? एक खेत हो गया, खेत से हमें दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा, चना, ये सारी चीजें मिलती है ना। फिर जंगल से हमें जंगली बेर, जामुन, आंवला, ये सारी चीजें मिलती है। फिर हो गया बाग, बाग से हमें सारे फ्रूट्स मिलते हैं ना, सेब, अनार, समझ गए हैं, आम का बाग, सेब का बाग। समझा? समझा? फिर तीसरा मवेशी खाना, मवेशी खाने से भी क्या क्या मिलता है?